जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी इंग्लिश पढ़ने के क्लास में जो है ना, हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया इंग्लिश का स्टोरी, जिसके माध्यम से जो है ना आपको इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है लाइफ वर्थ लिविंग। तो यहां पर देखिए, एवरी टीचर सेड योर लाइफ इफ वेरी कॉस्टली। एवरी टीचर सेड योर लाइफ इफ वेरी कॉस्टली। डोंट डू नॉट का यहां पे शॉर्ट फॉर्म है डोंट वेस्ट इट इन ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग। डोंट वेस्ट इट इन ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग। सेम इंस्ट्रक्शन केम फ्रॉम सम्स प्रिस्ट एंड होली मैन। सेम इंस्ट्रक्शंस केम फ्रॉम सम्स प्रिस्ट एंड होली मैन। Even our parents also tell us the same thing. Even our parents also tell us the same thing. We see in this world a man is born. We see in this world a man is born. He grows up, gets somewhat education. He grows up, gets somewhat education. He finds out a suitable work from himself. He finds out a suitable work from himself. He starts earning money. He starts earning money. He gets married. He gets married. He becomes father of some children. He becomes father of some children. He grows old, weak, and ultimately dies. He grows old, weak, and ultimately dies. This was life of a common man. This was life of a common man. More than 95% people lead such life. More than 95% people lead such life. But this life is not worth living if it is lived for oneself. But this life is not worth living if it is lived for oneself. Let us look back at our history.
लेट अस लुक बैक एट आवर हिस्ट्री द वेदास एंड द पुराण्स द वेदास एंड द पुराण्स द महाभारत एंड द रामायण व्हाट डू दे टेल अस द महाभारत एंड द रामायण व्हाट डू टेल दे टेल अस लेट अस लुक एट द होली बुक बाइबल एंड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट लेट अस लुक एट द होली बुक बाइबल एंड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ द बाइबल एंड द टीचिंग्स व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ द बाइबल एंड द टीचिंग्स वी रिमेंबर द नेम्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस बापू जी नेहरू जी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह एंड मेनी मोर वी रिमेंबर द नेम्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस बापू जी नेहरू जी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह एंड मेनी मोर दे आर आवर आइडियल्स आवर हीरोज हु सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स सो वी मेनी लिव दे आर आवर आइडियल्स आवर हीरोज हु सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स सो वी मे लिव दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ वर्थ लिविंग They lived a life of worth living. We are small children. We are small children. We are the future of our country. We are the future of our country. Let us make ourselves worthy. Citizens of our country. Let us make ourselves worthy citizens of our country. Let our parents, teachers, and friends be proud of us. Let our parents, teachers, and friends be proud of us let our deeds should speak for us let our deeds should speak for us Gandhi ji our father of nation lived for India and died for India Gandhiji, our father of nation, lived for India and died for India. Nehru ji, the maker of modern India, spent 14 years in jail to get freedom for us. Nehru ji, the maker of modern India spent 14 years in jail to get freedom for us. Hence, it becomes our duty to do our work honestly and sincerely. Hence, it becomes our duty to do our Work honestly and sincerely. Let us study wholeheartedly
लेट अस स्टडी होल हार्टेडली, लेट अस बी इन डिसिप्लिन, लेट अस बी इन डिसिप्लिन, लेट अस बी वेल मैनर्ड, लेट अस बी वेल मैनर्ड, वी शुड नॉट फॉरगेट टू ग्रीट आवर पेरेंट्स एल्डर्स एंड टीचर्स इन द मॉर्निंग, वी शुड नॉट फॉरगेट टू ग्रीट आवर पेरेंट्स एल्डर्स एंड टीचर्स इन द मॉर्निंग, लेट अस नॉट फॉरगेट टू से हेलो टू आवर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लेट अस नॉट फॉरगेट टू से हेलो टू आवर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इफ दे नीड योर हेल्प डू हेल्प देम, इफ दे नीड योर हेल्प डू हेल्प देम, स्टार्ट योर वर्क इन राइट अर्नेस्ट, स्टार्ट योर वर्क इन राइट अर्नेस्ट, बी काइंड एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स ऑल, बी काइंड एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स ऑल, ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड एंड डू राइट, ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड एंड डू राइट, इफ यू इनकल्केट दिस हैबिट, इफ यू इनकल्केट दिस हैबिट, यू आर श्योर टू राइज हाई इन द लाइफ, यू आर श्योर टू राइज हाई इन द लाइफ, दस लाइफ इज वर्थ लिविंग ओनली व्हेन इट इज लिव्ड फॉर अदर्स, दस लाइफ इज वर्थ लिविंग ओनली व्हेन इट इज लिव्ड फॉर अदर्स, व्हेन यू वाइप ऑफ द टीयर्स फ्रॉम वीपिंग आईज, व्हेन यू वाइप ऑफ द टीयर्स फ्रॉम वीपिंग आईज, व्हेन यू कंसोल अ सैड एंड अनहैप्पी हार्ट, व्हेन यू कंसोल अ सैड एंड अनहैप्पी हार्ट, व्हेन यू डू योर ड्यूटी व्हाट एवर इट मे बी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, व्हेन यू डू योर ड्यूटी व्हाट एवर इट मे बी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, व्हेन योर काइंडनेस इंक्लूड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स बेगर्स एंड ओल्ड एंड हेल्पलेस, व्हेन यू यहाँ पे आर नहीं रहेगा ठीक है, यू आर रेडी टू एम्ब्रेस ऑल एज मदर ट्रेसा यूज्ड टू डू, व्हेन योर काइंडनेस इंक्लूड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स बेगर्स एंड ओल्ड एंड हेल्पलेस, व्हेन यू आर रेडी टू एम्ब्रेस ऑल एज मदर ट्रेसा यूज्ड टू डू। तो फ्रेंड्स आज के इस इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस क्लास में बस इतना ही, आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज की इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना सीखते रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में।